सबसे पहले आपको बताएंगे, सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। आपको बताएं कि सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया है। मजीद जानते हैं जाहिद खोकर से। जाहिद खोकर बताएगा, सारिम बर्नी को किन इल्जाम की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में मरूफ इंसानी खिदमतगार सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया है। सारिम बर्नी को इस्लामाबाद अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर ही हिरासत में लिया गया। सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है, ये एफआईए हुकाम का कहना है। और ये भी उनका कहना है कि सारिम बर्नी पर 25 से ज्यादा बच्चों को गैरकानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्जाम है। सारिम बर्नी और उनके ट्रस्ट ने बच्चों को गैरकानूनी तरीके से अमरीका के हवाले से अडॉप्ट कराया। बच्चे मुख्तलिफ अवकात में कराची से सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले कर दिए गए। 17 बच्चों को अमरीका स्मगल करने के इल्जाम सामने आ चुका है। मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं, ये एफआईए हुकाम का और जराए का कहना है। जी अच्छा, ये बताएगा कि ये काफी अरसे से ट्रस्ट भी चला रहे थे, तो ये स्मगलिंग का जो सारा सीन है ये कब से चल रहा है, कब से स्मगल कर रहे हैं बच्चों को? जी, इब्तदाई तहकीकात जारी है, क्योंकि एफआईए हुकाम का कहना है कि इनको अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर ही हिरासत में लिया गया है और उनकी जानब से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए हैं जिनकी तहकीकात की जा रही है। मुख्तलिफ 17 जो बच्चे हैं उनको अमरीका स्मगल करने का इल्जाम लगाया गया है, उसके मुतलिक तहकीकात की जा रही है। जो मामला और हकाइक सामने आएंगे उसके बाद ही कुछ वो बता सकेंगे। ठीक है, तहकीकात की जा रही है। जाहिद खोकर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।